महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में तमाम राजनीतिक दल खुद को मजबूती देने में जुटे हैं, लेकिन चुनाव से पहले एनसीपी डगमगाती नजर आ रही है और इसकी वजह बीजेपी और शिवसेना है। सत्तारूढ़ पार्टी जिस तरह से एनसीपी के नेताओं का पार्टी में स्वागत कर रही है, उससे एनसीपी पर संकट बढ़ता जा रहा है। चुनावी मौसम में राजनीतिक दलों में आया राम गया राम का सिलसिला लगा रहता है, लेकिन महाराष्ट्र बीजेपी और शिवसेना में तो सिर्फ आया राम का दौर चल रहा है, जबकि एनसीपी में सिर्फ गया राम हो गया है। पार्टी के एक नेता को गए अभी वक्त बीतता नहीं कि दूसरा नेता जाने को तैयार खड़ा होता है। अब शिवाजी के वंश छत्रपति उदयन राजे भोसले ने शरद पवार की पार्टी एनसीपी से इस्तीफा दे दिया है। बताया जा रहा है कि उदयन राजे भोसले कल दिल्ली जाएंगे, जहां वो लोकसभा अध्यक्ष को अपना इस्तीफा सौंपेंगे और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। इसके साथ ही एनसीपी और राजे का 10 साल का रिश्ता भी खत्म हो जाएगा। आपको बता दें कि सतारा से सांसद उदयन राजे ने 2019 के चुनाव में 1,30,000 वोटों के अंतर से जीत हासिल की थी, जबकि 2014 में उन्हें 3,66,000 वोटों के अंतर से जीत मिली। ऐसे में साफ है कि उदयन राजे एनसीपी में क्या कद रखते हैं। गौरतलब है कि इससे पहले भी एनसीपी के कई नेता बीजेपी और शिवसेना का दामन थाम चुके हैं। एक दिन पहले ही एनसीपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मंत्री भास्कर जाधव ने अपनी पार्टी से इस्तीफा दिया था। भास्कर जाधव से पहले नवी मुंबई के दिग्गज नेता गणेश नाइक अपने पूरे परिवार समेत बीजेपी में शामिल हो गए थे। एनसीपी छोड़कर जाने वाले नेताओं में पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मधुकर पिचड़, मुंबई के अध्यक्ष सचिन अहिर, राज्य महिला विंग की अध्यक्ष चित्रा वाघ का नाम भी शामिल है, जिसने शरद पवार की मुश्किलें बढ़ा दी है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।